मुखिया संघ का मीटिंग 7 तारीख को हुई थी 11 बजे से 3:30 बजे तक। 3:30 बजे के बाद सारे मुखिया अपने अपने घर पे चले गए। इस ढंग का कोई भी पार्टी वहाँ नहीं हुई थी। वीडियो वायरल का जानकारी जब कल मिला तो हम लोग मुखिया जी से पूछे ऐसा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि मेरे गांव में बारात आया था, मैं दरवाजे पे खड़ा था, ग्रामीण होने के नाते कोई ग्रामीण हाथ पकड़ के बीच में घींच लिया तो हमें भी बारात के बीच जाना पड़ा, और पीछे से कोई थर्ड पर्सन आदमी बोतल दिखा दिया, वो दारू का था कि पानी का था कि दूध का था, और उसको गलत वीडियो वायरल हो गया। यह जो बात कही गई है बिल्कुल गलत और बिल्कुल ही निराधार है। ऐसा सोच कभी होना ही नहीं चाहिए कि किसी के ऊपर कोई तरह का गलत ही लगा के उस पर कोई तरह का इल्ज़ाम लगावे। यह बहुत ही गलत बात है और ऐसी कोई तरह का घटना नहीं हुई है। काहे कि यह जो है दिन में ही ऐसे हम लोग का बैठक था और रात में नहीं था। 7 तारीख को दिन के 11:30 बजे मुखिया संघ का बैठक हमारे आवास पर था। बैठक 3:30 से 4 के बीच में ख़त्म हो गया। लोग भोजन भाव करके अपने अपने घर चले गए और 7 के रात में ही हमारे गांव में हमारे घर के करीब में एक बारात आई थी, तो हम बारात का स्वागत कहिए या जो कहिए उसके लिए हम अपने दरवाजे पर खड़े थे। उधर से बारात आ रही थी, ठीक है, तो उसी बीच में डांस वांस चल रहा था तो कुछ लड़का हमारा हाथ पकड़ करके खींच लिया कि मुखिया जी थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए, तो हम भी चले गए। मुखिया क्या ग्रामीण नहीं होता है क्या? कौन बड़की को बात हो गया? अब कोई थर्ड पर्सन पीछे से बोतल उछला दे या कुछ करे, उसको हम तो नहीं जानते हैं। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, कोई भी आदमी दारू नहीं पिया था, और खा मखा बिना मतलब का बदनाम करने के लिए इस तरह का एक साजिश किया गया है और वीडियो वायरल कर दिया गया। हाँ, इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, इस प्रकार का कोई शराब पार्टी नहीं हुआ है, और हम लोग जब देखे तो हतप्रभ रह गए। हम लोगों की भी मान प्रतिष्ठा धूमिल हुई है इस प्रकार के वीडियो वायरल करने वाले पे, और हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि इसकी जांच कराई ली जाए और इसमें जो भी दोषी होंगे, चाहे वीडियो वायरल करने वाले या फिर अगर कोई मुखिया दोषी हो तो फिर उन पर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से राजनीतिक साजिश के तहत मुखिया को फंसाया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश है, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ।